को लव लेटर्स पसंद है, इतने तो खून से लिख के दिया था। क्या नाम? यार नाम नहीं ले सकती भाई, गाली मत दो यार फालतू फंड में। मेरे को पता है ना, एक मैं एक चीज बताता हूँ कि देखो बंदे का लिटरली कॉन्टेंट वही है, वही है कि किसी को लाइव पे लो, उसको ट्रोल करो, उसको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नशों से दूर रहो। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि काफी लोगों ने अज्जू भाई को ही कहा था कि बेलवी यादव को सपोर्ट नहीं करते, यानी कि जब बेलवी यादव जेल में थे तो अज्जू भाई का कोई भी सोशल मीडिया पर सपोर्ट नहीं आया था। तो ये चीज को अज्जू भाई ने क्लियर भी किया था और कहा था कि सब चीजें ऑनलाइन नहीं होती। तो अज्जू भाई ट्रिप की वीडियोस डालने लगे तो लोग फेक भाईचारा बोलने लगे, कुछ लोग तो अज्जू भाई को गाली भी देने लगे। तो अज्जू भाई हाल ही में अपने व्लॉग में आकर ये कहे, भैया क्यों गाली पड़वा रहे हो तुम, बता पहले तुम्हें भाई कहाँ गाली पड़ रही है। भाई है कोई गाली मत दी है भाई, भाई है मेरे छोटे धमकी देती खुली और क्या यार, भाई है भाई। हर चीज का ना एक समय होता है, हर एक चीज का टाइम होता है, और तुम्हें लगता है कि सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से रहे या फिर तुम गाली बकने से सब कुछ नॉर्मल चीज हो जाती है, तो ऐसा नहीं होता भाई। हाँ भाई अनुप भाई बहुत प्यारी चीज समझा के गए भाई साहब। बट भाई गाली मत दो यार फालतू फंड में। मेरे को पता है ना, एक मैं एक चीज बताता हूँ कि देखो एक टाइम पे मैं अनुप भाई के साथ 24 घंटे बैठ रहा हूँ, और एक टाइम ऐसा हो जाता है कि भाई नहीं भी बैठ पाते, टाइम भी नहीं होता और बहुत सारी चीजें हो जाती है, 75 किलोमीटर दूर पड़े ना। हाँ, तो बस वो चीज है ना भाई, अब कुछ चीजें होती भी है कुछ नहीं भी होती है, तो प्लीज भाई गाली मत दो और बेफालतू में ना अपने हिसाब से ना सीरियस हो रहे भाई। तो ना यार भाई मजाक मस्ती करता चला गया जू यार भाई, छोटा छोटा ये आदमी के यार बेफालतू में आदमी के ऊपर ऊपर पड़ा है आके सारी चीज। नहीं भाई मत करो भाई। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में कीर्ति मेहरा को स्कूल टाइम में किसी ने अपने खून से लव लेटर लिखा था, तो जब कीर्ति मेहरा से उस लड़के का नाम पूछा गया तो कीर्ति मेहरा ने मना कर दिया और नाम नहीं बताया। रिसेंटली निशु तिवारी के साथ कार्टोस कीर्ति मेहरा के चैनल पर आउट हुआ है, जिसमें ये कहा गया लव लेटर्स पसंद है कि कोई बंदा खुद से लिख के दे रहा है। हाँ। वो अच्छा लगता। दिया आज तक किसी ने दिया? हाँ एक ने तो खून से लिख के दिया था। क्या नाम? यार नाम नहीं ले सकती, पर स्कूल टाइम में एक लड़का था जिसने, मतलब मैं गर्ल्स स्कूल में थी तो उसकी शिफ्ट दूसरी थी, तो मेरे को पता चला अपने किसी दोस्त से कि एक लड़के ने ना अपना हाथ हॉस्पिटल में एडमिट है और लव लेटर लिखा हुआ है। वो जाट था। और मैं पता क्या कर रही, मैं अपनी दोस्त को बोल रही इसको मेरी नजरों से ले जा सामने से, इसको छुपा देगा मेरे घर में पिटाई लग जाएगी मेरी। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में थगेश ने हाल ही में रजत दलाल के ऊपर रोस्ट वीडियो निकाला, जिसमें थगेश ने रिसेंटली हुई रजत दलाल की कंट्रोवर्सी को लेकर रोस्ट किया। आप पहले वीडियो देखिए। आईपी एड्रेस देता हूँ 43.247.... भाई ज्योतिष व्योतिष भी हो क्या पार्ट टाइम? इतनी तो उनको इन्फॉर्मेशन रहती है हमारे बारे में, मैं तो नहीं हूँ, फिर भी मेरे को आपका डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। भाई ने इतना एक्यूरेट एड्रेस दिया, मैं तो एड्रेस डालू फिर भी जोमेटो वाला साला पूछता नहीं है। क्या फायदा एक्यूरेट एड्रेस होने का जब उधर जाने की हिम्मत नहीं रखते। बाकी लोग टूर पे जाते, रजत भाई परोल पे जाते, ये देखो रिक्शा चला रहे रजत भाई। रजत भाई ब्रांड नहीं मिल रहे, आप बेल के लिए पूरे पैसे खत्म हो गए। रजत भाई मैं आपको एक टिप देता हूँ, इतनी आप जो दिन रात गाड़ी चलाते हो इधर से उधर, कभी गाड़ी से आ रहा है कभी उधर से इधर गाड़ी आ रहा है, ओला ज्वाइन कर लो, जो कर रहे हो करते रहो, पैसा भी मिलेगा भाई। कभी 38 तो कहीं 50 लोग लेके घूमते, ये दोस्त है ये लोग से उधारी लेके रखा था जो मांगने आ रहे। अर्पित बाला ने भी एक वीडियो में बोला था कि इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है रजत भाई के लफड़ों से। कलेश देखते हुए ना कभी किसी को ऐसा नहीं फील होगा यार मैंने टाइम वेस्ट किया, मेरे को भी सच मानता हूँ सीखने मिला लफड़े करके फॉलोअर्स कैसे बढ़ाए। रजत भाई कुत्तों से बहुत प्यार करते, इतना तो इंसानों से नहीं करते, कुत्ते उन्हें इंसानों की तरह छोड़ के नहीं जाते ना। हाँ रजत भाई हमेशा बोलते समाज को कुछ मत बोलना, बोलना है सीधा मेरे को गाली देना, गाली खाने वाले काम क्यों करते हो। हाँ दलाल ऐसा बंदा है जो स्ट्रेच बैंड होते हैं ना जिम में उसको कभी नहीं खींचता, पता नहीं फिर कॉन्ट्रोवर्सीज को क्यों खींचता है इतना। मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो अपना खात्मा बहुत बुरी तरह होने वाला है। एनीवेज आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। पता नहीं मेरे को लग रहा था ये वीडियो बनाना चाहिए, कोई बोल नहीं रहा, कोई एड्रेस नहीं कर रहा, कोई ये क्वेश्चंस उससे पूछ नहीं रहा, तो मेरे को लगा मेरे को पूछना चाहिए। एंड आई होप स्पोर्टिंगली ले, क्या है बॉडी बिल्डिंग इज अ स्पोर्ट है ना। एंड वैसे भी हम मुंबई में है, मुंबई में यहाँ पे ये सब होके चला गया मुंबई में, समझे। कमेंट्स में मेरे को बताओ, आई नो मेरे को बहुत गाली पड़ने वाली है वीडियो के लिए रजत भाई के फैन से, क्योंकि क्या है बेरोजगार है। तो ये चीज पर रजत दलाल के इंस्टाग्राम पर भी स्टोरी आया जो थगेश को लेकर ये है, पता नहीं बार बार स्टोरी अट रही है, इस हीरो का एड्रेस है किस पे। तो थगेश ने भी ट्वीट करते हुए ये कहा, इतना फ्रेंडली रोस्ट को भी स्पोर्टिंगली नहीं ले पाए। साथ ही थगेश ने रजत दलाल को लेकर ये वीडियो भी पोस्ट किया, आप देखिए। तो सब लफड़े में पड़ता नहीं कॉन्ट्रोवर्सी में, बट यहाँ पे मेरे को फनी इसलिए लग रहा है क्योंकि जो बंदे का लिटरली कॉन्टेंट वही है कि किसी को लाइव पे लो, उसको ट्रोल करो, उसको बुली करो, एंड जब उसको कोई रोस्ट करे तो मिर्ची लग जाती है।
एंड फिर उसका वही चालू रहता है, एड्रेस लोकेशन एड्रेस लोकेशन। भाई भाई बस कर भाई, थक गए अब। तो लास्ट में राजा दलाल ने थगेश का वही वीडियो लेकर स्टोरी टैग करते हुए ये कहा, मत करो काम पे, आप भी लाइव आ जाओ, अपना काम करो, मुझे भी करने दो, मेहरबानी होगी। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में ऐसा बताया जा रहा है कि मुनावर हुक्का बार में रेड के चलते पकड़े गए। बिग बॉस एक ट्वीट कर ये कहे, बिग बॉस 17 विनर मुनावर फरूकी वॉज ब्रीफली अरेस्टेड इन मुंबई लेट ऑन ट्यूजडे आफ्टर ए रेड ऑन ए हुक्का बार। अकॉर्डिंग टू न्यूज एजेंसी ANI, ही वॉज लेटर रिलीज फ्रॉम कस्टडी आफ्टर ए केस वॉज फाइल्ड। द डिटेल सजेस्ट दैट मुनावर वॉज चार्ज अंडर द COTPA और द सिगरेट्स एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट्स एक्ट 2003। ऑन ट्यूजडे नाइट द हुक्का बार वाज रेडेड एंड 13 मोर पीपल वर टेकन इनटू कस्टडी। रिपोर्टेडली पुलिस क्लेम दैट 9 हुक्का पॉट्स वर्थ 13,000 रुपीस एंड 4,400 इन कैश वाज सीज ड्यूरिंग द रेड ऑन ट्यूजडे एज द हुक्का बार पार्लर इन द फ्रंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिटी वाज ऑपरेटिंग इलीगली। आदिपी बॉय भी मुनावर की रेड स्टोरी शेयर करते हुए ट्वीट कर ये कहे, मुनावर फरूकी वाज स्नैप्ड लास्ट नाइट इन साउथ मुंबई नियर फोर्ट फ्रॉम एन इलीगल हुक्का जॉइंट ड्यूरिंग रमदान। दिस फॉलोड लेट नाइट। मुनावर फरूकी एंड 14 अदर्स वर सपोज्डली पफिंग ऑन तंबाकू बेस्ड हुक्कास एट ए प्लेस कॉल्ड सबालन इन साउथ मुंबई विच इज टोटली अगेंस्ट द लॉ। ऑल्दो एवरीवन वाज लेट ऑफ आफ्टर इंटरव्यूएशन, दिस इंसिडेंट सीरियसली ब्रिंग्स अप वरीज अबाउट नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। टफ एक्शंस आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू क्रैक डाउन ऑन सच एक्टिविटीज। तो ये चीज जब एलवी यादव को भी पता चली तो उन्होंने भी ट्वीट कर ये लिखा, बिग बॉस जीतने के बाद सबका बुरा टाइम शुरू हो जाता है क्या। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में विवेक बिंद्रा ड्रिंक करते हुए एयरपोर्ट पर देखे गए तो उसको लेकर पीपल ट्वीट कर ये कहे, विवेक बिंद्रा वॉज फाउंड ड्रंक, नथिंग रॉन्ग विद इट। वेन आई यूज टू ट्रेवल एंड गो थ्रू द रिगोरस स्ट्रेसफुल रूटीन, फ्यू पैक्स वुड लाइटन यू अप बट ये आई नेवर एंडेड अप बीटिंग ए वुमेन इन ए ड्रंकन स्टेट। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में हिंदुस्तानी बाबू अपने इंस्टाग्राम पर आकर कुछ ये कहे, अब वीडियो देखिए। जय श्री राम। बदायूं के एक गांव में एक हिंदू फैमिली के दो बच्चों के गले काट कर हत्या कर दी, और गला काटने वाला और कोई नहीं, जिनके ऊपर विश्वास रखा, उनको रोजी रोटी के लिए जगा दी, साजिद और उसका भाई। एक हिंदू फैमिली ने उसके उनके ऊपर विश्वास किया, वही दो भड़बों ने घर पे आके वो बच्चों के गले काट दिए, और ये रमजान के पाक महीने में ऐसी गंदी हरकत की है भड़वों ने। वो भड़वे को घर पे आके वो बच्चों की माँ को बोलता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, कुछ पैसों की जरूरत है। इसके लिए उनकी बच्चों की माँ घर अंदर पैसे लाने गई, और वही मौका देख के वो तो बेगुनाह बच्चे, छोटे बच्चे, उनका गला काट दिया। तुम्हारे जैसे भड़वों की वजह से ना सारे मुसलमानों का नाम खराब होता है। ऐसे तुम लोग के ऊपर भड़वो सालो। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बिग बॉस तक अनुराग दोबाल की सीज गाड़ी पर ट्वीट कर ये लिखे, अनुराग दोबाल और द युगिडियोसमन राइडर रिसेंटली इन्फॉर्म दैट ही स्वैंकी लंबोर्गिनी वाज सीज इन चेन्नई व्हाइल ही वाज फॉर एन IPL शूट। अनुराग हैड ट्रैवल टू चेन्नई टू शूट ए स्पेशल सेगमेंट फीचरिंग सुरेश रैना। अनुराग फिल्म दिस यूनिक सेगमेंट व्हाइल ड्राइविंग हिज लग्जरियस लंबोर्गिनी। ही एक्सप्रेस हिज डिसअपॉइंटमेंट आफ्टर ही रिवील्ड दैट हिज कार वाज सीज। नॉट ओनली दैट, ही इवन रिसीव ए पेनल्टी फ्रॉम 3 to 3.5 crore। ही रिकाउंटेड द इंसिडेंट explaining that while his car was being transported on a truck, the vehicle was stopped by STO authorities. दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।